हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बेबी केयर लाइफ पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम दिन प्रतिदिन की कॉमन समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक ऐसी ही कॉमन समस्या लेकर हम आए हैं, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी विटामिन डी क्या होता है, आपको अगर विटामिन डी की कमी है तो उसका पता कैसे करें, विटामिन डी क्यों जरूरी है और उसका आपके हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, और अंत में मैं आपको बताऊंगी विटामिन डी की कमी को पूरा करने के 5 तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो दो तरह का होता है, D2 और D3। ये D2 जो है वो हमें यूजुअली प्लांट सोर्सेस से मिलता है और D3 हमें एनिमल सोर्सेस से मिलता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का, वो है सन, यानी कि सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी जब हमारी स्किन पर पड़ती है तो हमारी स्किन कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो अब हम जानते हैं कि विटामिन डी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे हड्डियों को स्ट्रांग रखता है, हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखता है, ये हमारे बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर विटामिन डी की आपको कमी है तो आप कितना भी कैल्शियम ले वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ ये पैराथायराइड हार्मोन जो है, जो एक तरीके का हार्मोन है, उसके साथ मिलकर हमारे शरीर में कैल्शियम होमियोस्टेसिस यानी कैल्शियम को बराबर रखने में मदद करता है। तो अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम भी कम एब्जॉर्ब होगा और आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या कमी है तो इसका पता कैसे लगाएं? तो दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए कुछ लक्षण होते हैं। अगर आप में वो लक्षण हैं तो इसका मतलब आपको कमी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं वो लक्षण क्या क्या हैं। पहला जो सबसे मोस्ट कॉमन लक्षण है वो है थकान का लगना। आपको बिना किसी कारण, बिना किसी मेहनत अचानक ही थकान लगती रहेगी। बोन्स, हड्डियों में दर्द रहेगा, खास करके कमर और पीठ में अक्सर आपको दर्द देखने को मिलेगा। मसल क्रैम्प्स, मतलब कि जो आपके पैर की मसल है उनका ऐठ जाना, अचानक ही ऐठ जाना और उनमें दर्द बने रहना। बोन लॉस, आपकी जो बोन्स हैं वो एकदम हल्की हो जाएंगी और आपको रिपीटेड फ्रैक्चर्स होंगे। और मूड चेंजेस, आपका मूड हमेशा, तो अगर इनमें से आपको कुछ भी है तो इसके काफी चांसेस है कि आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब हम इसका टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे लैब में विटामिन D3 सीरम लेवल विटामिन D3 नाम के टेस्ट उपलब्ध हैं, जो कि 900 से 1200 रुपए के बीच में आते हैं। अब इसके रिपोर्ट को कैसे पढ़ें? अगर आपका सीरम लेवल विटामिन D3 लेवल लेस देन 20 है, इसका मतलब आपको डेफिशिएंसी है। अगर 20 टू 30 है तो उसे हम इनसफिशिएंसी कहते हैं, और अगर 30 से 100 यूनिट्स के बीच में है तो मतलब आप सफिशिएंट हैं। डी डेफिशिएंसी रहने से आगे चल के आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज के साथ भी एसोसिएशन पाया गया है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है और बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। कैंसर जैसे कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी जो कैंसर्स हैं वो उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिन्हें विटामिन डी की कमी है। और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है जिनमें विटामिन डी की कमी है। अब हम जानते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के 5 उपाय। तो सबसे पहले धूप, सन बहुत इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप मिनिमम 15 से 20 मिनट तक धूप में रहें, वीक में 3। दूसरा है फूड और तीसरा सप्लीमेंट। तो फूड में हम क्या क्या लें, जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो यूजुअली होती है 600 इंटरनेशनल यूनिट की। तो एक जो मोस्ट कॉमन और जो आप सभी ने सुना है वो है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल बाजार में मिलता है बहुत कॉमनली, और इसका एक चम्मच में 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। इसके अलावा एक कप मिल्क में 115 इंटरनेशनल यूनिट, एक कप दही में 80 इंटरनेशनल यूनिट, एक अंडे में 20 से 40 इंटरनेशनल यूनिट, और चीज में एक ग्राम चीज में 6 इंटरनेशनल यूनिट,
विटामिन डी होता है। तो अगर आप अपने फूड में, अपने डाइट में ये सारी चीज़ों का इंक्लूजन करते हैं तो आप काफ़ी हद तक विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और तीसरा है विटामिन डी सप्लीमेंट्स। विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप लोकल डॉक्टर के एडवाइस पर ही लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने से विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, इसीलिए मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। तो अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी के कोई भी लक्षण हैं तो आप तुरंत विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं, सीरम लेवल विटामिन डी, और अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। और हाँ, अपने डाइट में ये सभी चीज़ों का इंक्लूजन, सभी चीज़ों को ज़रूर से इंक्लूड करें। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम किसी और ऐसे ही कॉमन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।